दोनों मियाँ बीवी हैं जी। वो वहां हमारी गाड़ी फंस गई है। वैसे भी इस बारिश में सफर करना खतरनाक है, एक रात गुजारने को जगह मिल जाएगी। वाह वाह फैंटास्टिक, यहां पर तो हनीमून मनाने का मजा आ जाएगा। यहां मुझे तो लगता है अभी थोड़ी देर में छत से पानी टपकना शुरू हो जाएगा। अरे टपकने दो मेरी जान, और मजा आएगा। जब इंसान कुछ नहीं जानता था तब नेचर उसकी उस्ताद थी। आग कैसे जलानी है, फल कैसे तोड़कर खाना है और जिंदा रहना है, किसी के करीब कैसे आना है, ये सब उसे नेचर सिखाती थी। कोई रो रहा है? नहीं, बादल की गरज से डरकर हवा से इसका ले रहे। नहीं, कोई इंसानी आवाज है। अच्छा, कोई हमारी तरफ आ रहा है। हम शायद गलत जगह फंस गए। हाँ। मैं दरवाजा बंद करता हूं। हाँ। अच्छा, अरे अरे इसमें तो चटकनी नहीं है। हाँ, अब क्या होगा? तुम इधर मेरे पीछे छुप जाओ। अच्छा, वो जैसे कदम रखेगा हाँ। मैं उसे जख्मी करूंगा। किसे बांटने लगे थे? वो बाबा, वो असल में बिल्ली थी। बिल्ली जी, शादी नई नई हुई है जी। जी, प्यार की शादी है। हाँ जी जी, तो बिल्ली मार के बीवी पे रो पट डालो, इससे प्यार का वादा निभाओ। प्यार नसीबों से मिलता है। बाबा, हमने एक आवाज सुनी है, लगता है कोई रो रहा था। कौन था बाबा? ये दर्द भरी कहानी है। तुम खुशियां मनाने आए हो, ना सुनो? हमें भी सुनाओ बाबा। सुनाओ बाबा, इस कहानी के पीछे क्या दर्द है? जिद करते हो तो सुनो। इसी मौसम में बर्फबारी अभी शुरू नहीं हुई थी, हवा में सेब के फूलों की खुशबू रची थी। जब यहां दुनिया के कमों से तू आटे दाल के भाव से बेप्यार हंसते गाते उछलते कूदते लड़के लड़कियों की एक टोली यहां आई थी। देंगे मेरे यार हम रोशनी प्यार की, देंगे मेरे यार हम रोशनी प्यार की। जैसा भी रास्ता हो, जितना भी फासला हो, जैसा भी रास्ता हो, जितना भी फासला हो, बुझने ना देंगे मेरे यार हम रोशनी प्यार की।
प्यारे, छोटा सा एक सफर है वो, ये जिंदगी तो प्यारे, छोटा सा एक सफर है, सब कुछ है मिटने वाला। हुए आगे बढ़े वो मुझे सूट नहीं करता, सुन लो। इस सफर में तुम पर क्या क्या पाबंदियां हैं? पाबंदियां पाबंदियां हाँ पाबंदियां, तुम आपस में कजन नहीं, रिश्तेदार नहीं, फैमिली के मेंबर नहीं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, चमन खाने है ये कुंबा जोड़ा, इसलिए सुन लो, तुम लोग स्पेशली तुम सुन लो, तुम सिर्फ बच्चों की नजर गा सकते हो। तितली उड़ी बाग में गई, फूल ने कहा या बेबी बेबी यस मामा, ईटिंग शुगर नो मामा, गा सकते हो लेकिन कोई ऐसा गीत नहीं गा सकते जिसमें यार प्यार रोशनी यहां जलने बुझने का जिक्र हो, क्योंकि आई डोंट लाइक गली सड़ी थिंग। देखो हम आपको सर जरूर कहती है,
लेकिन आप हमारे टीचर नहीं है। एक्चुअली सर, हम आपकी थर्ड क्लास टूरिस्ट वैन में सैर करने आए हैं, जो किसी कबाड़ी की ख्वाहिश बनकर ठांग उठाए सड़क पे पड़ी। हमसे दोस्ती कीजिए सर। नगाड़ मेरी उम्र तुम्हारी उम्र को डांट सकती है, टोक सकती है, उस पर पाबंदियां लगा सकती है, लेकिन दोस्ती नहीं कर सकती। इस सफर में तुम मेरे पास अपने मां बाप का फिक्स डिपॉजिट हो। कोई नोट भुनाया तो नहीं गया, कोई पैसा खर्च तो नहीं हुआ, कोई पाई इधर उधर तो नहीं हुई, ये देखना मेरा काम है। चलो लड़का लोग, लड़का लोग कैंप लगाएं और लड़कियां खाना पकाएं। हसीना यस बॉस। फरमाइए क्या पकाऊं? आलू कीमा, आलू मेथी, आलू पालक, आलू दाल, आलू बैंगन। खराब आलूओं का इस्तेमाल इतना मत करो, ऐसा ना हो कि आलू हमारी छेड़ बन जाए और लोग कहते फिरे आलू चमन आलू चमन आलू चमन। यस बॉस। और इसलिए सर हमने लड़कियों के कैंप और लड़कों के कैंप का सवाल ही नहीं उठाया। जब असेंबली में औरतों के हुकूक का सवाल उठता है तो फिर तुमने क्यों नहीं उठाया? याद रखो तुम एक दस्ती बम हो, अगर गलती से इसका पिन निकल गया तो ऐसा धमाका होगा ना कैंप रहेंगे और ना आपकी इत्तला के लिए अर्ज है सर, जनरेशन का किरदार भरोसा करने से बनता है, शक करने से नहीं। दूध की हिफाजत बिल्ली को सौंप दूं, ये मेडल मुझे मेरे असूलों पर मिले, इनको बेच दूं। लुड़का लुड़कियों चलो अपने अपने कैंप में, लुड़का उधर लड़कियां इधर। किसी ने कोई चू ची चू चा करने की कोशिश की तो मैं ग्रुप वापस ले जाऊंगा, और याद रखो अंदर जाकर ये मत समझना कि तुम आजाद हो, नो मुमकिन लटी, एक आंख हर वक्त तुम्हें देखती रहेगी। जा तुझे कश्मकशे तहर से आजाद किया। या हम तो ये सोच कर आए थे फूल होंगे, गीत होंगे, दोस्ती के हाथ होंगे, लेकिन हम तो कैंप जेल में आ गए। और जेल में आने के बाद खोचा खान साहब से बच के रहना कंबू। घोड़े के टापों की आवाज कौन हो सकता है, दोस्त या दुश्मन?
रहा हूँ। तुझे मेरी जरूरत नहीं ना, ठीक है मैं आ रही हूँ। जुगनू, 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 छोड़ दे मुझे, छोड़, छोड़ ना। तुझे छोड़ के किसे पकड़ूं? शहर जाएगा तो मिल जाएगी कोई मुझसे अच्छी, और फिर वहां मैं तुझे याद भी नहीं आऊंगी। जुगनू, मैं खुद नहीं चाहता कि तू मुझे वहां याद आए। तू नजरों के सामने रही तो मैं किताबों में दिल नहीं लगा सकूंगा। जुगनू, माँ ने मेरे लिए बड़े दुख उठाए। अब पढ़ लिख कर दुनिया से माँ के लिए कुछ सुख लेना चाहता हूँ। सिर्फ माँ के लिए? माँ से जो बचे वो सुख तेरे होंगे। मेरे लिए उतने ही काफी है। मगर मगर क्या? तू नहीं जानता मैं कितनी मुश्किल से तुझसे मिलने आती हूँ। जग्गू कुत्ते की तरह मेरे पीछे लगा रहता है। अरे कुत्तों के भौंकने से चांद चमकना छोड़ नहीं देता जुगनू, तू उसे डरा मत कर। वो हमारी प्यार भरी जिंदगी का एक लम्हा भी नहीं छीन सकता मेरी जान। सच दिया? हाँ। तू कब जा रहा है? कल। रास्ते में गाड़ी नहीं रख सकता, मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। खैर तो है जुगनू, क्या याद आ गया था? क्यों भागी आई? ये तो बस थी जो रुकवा दी। अगर हवाई जहाज होता तो? बस क्या जल्दी चल पड़ी थी, अपने वक्त पर चली है। यह लेते जाओ। ये क्या? बादाम डालकर कुछ हलवा बनाया है। सवेरे उठकर दो चम्मच खा लिया करना, सेहत अच्छी रहेगी। और ये पानी गर्म करा कर लाई हूँ, रोज एक घूंट पीना, मैं याद रहूंगी। गांव में पढ़ाई होती तो तुझे शहर कभी ना जाने देती। खत आधी मुलाकात होता है, शहर जाकर मुझे खत जरूर लिखना दिल। कहा ना, लिखूंगा। हाँ कसम, तेरी पलकों की कसम। मेरी पलकों में एक सपना था, एक सपना जो मेरा अपना था। मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास आ के मैं तुझसे पलकों की छांव में तेरे सारे रंग समेट लूं। मेरी पलकों में एक सपना था, एक सपना जो मेरा अपना था। मेरे सपने, मेरे अपने, मेरे पास आके मैं कैसे पलकों की छांव में तेरे सारे रंग समेट लूं। मेरे पास
जवाब में तेरे होंठ आज वफा के गीत न गा सके मेरे पास आके मैं फिर से पलकों की छांव में तेरे सारे रंग समेट लूं मेरे पास शादी हुई तो इनके वलीमे का खाना जरूर खाएंगे हम भारत का गीत गाएंगे मैं दौर पे सलामी भी दूंगा दौर पे सलामी भी दूंगा अबे दौर पे तो आजकल बच्चे भी नहीं लेते शादी बाजार में सलामी का रेट 100 रुपया इस चांदनी रात विच लुक छुप के मिलन का मतलब है वे कि एना में कोई विलन है आहो जी इनका हो ना हो अगर हमारी विलन आंख ने हमको देख लिया तो चमन साहब से शिकायत जरूर करेगी पायल की आवाज हमें सुना जा रहा है दोस्तों इस वक्त हम आजाद हैं चलो उस दरिया के किनारे चलकर बैठते हैं और चांद शर्मा कर बादलों में छुप जाए बहता हुआ पानी अपना सांस रोक ले और वादी के माथे पर पसीना आ जाए अमजद तहसीन देखो तुम दोनों का ये काम है कि तुमने हसीना से पहले पहुंचना है और चमन साहब के आने से पहले वापस आ जाना है ओके ओके, ओके। चमन साहब हसीना तुम इतनी रात गए यहां किसी इरादे से आई हो
वो लड़के किसी ने तुम्हें छेड़ा? मुझे छेड़ा किसी ने? मार खा ली? फिर मुझे क्यों जगाया? वो लड़के और लड़कियां दरिया के किनारे पकड़े गए? नहीं, आप उठिए ना, उन्हें शब खून मार के पकड़ लीजिए ना। क्या करते हुए? उफ अल्लाह, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ वाकई, तुम तो कुछ कह भी नहीं सकती और ना कह ही सकते हो। हम निमट लेंगे। फैसला हो ही जाए। नहीं, तो अभी गांव आया है, घर भी नहीं गया, माँ से भी नहीं मिला। जग्गू से लड़ पड़ा तो ये बुरा शगुन है। मैं तो उसे फिर मिलूंगी। ये तो जग्गू की पायल की आवाज है। ये सवेरे सवेरे यहाँ क्या करने आई थी? बेटी मैं कपड़े धोने। कपड़े धोने? हाँ, नहीं वो तो अंदर पड़े हैं। बताए मुझे, सुबह उठी तो बड़ी भूख लग रही थी। मैंने सोचा कि गाय को भी भूख लग रही होगी, क्यों ना पहले से चारा ही दे दो। चारा तो बोलती है ये, दिमागी में गई थी। हाँ गई थी। जब मैंने घोड़ा पकाया तो ये भी भाग उठी। अच्छा, तो वो मेरे पीछे घोड़े पे तो था, मैं समझी कोई लच्चा था। ए, ए, मुझे लच्चा कहती है? कहती नहीं, समझी थी। अब तो चाचा मुझे से कहा गई थी ये? वादी भी? तुम मना तो करते हो, फिर भी मैं टूरिस्टों के पास चली गई थी। मैंने सोचा शायद कोई बीमार हो, उसे दवा दे दे तो तुम्हें कुछ पैसे ही मिल जाए। पैसों के लिए टूरिस्टों के पास जा सकती है?
मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकती। नहीं जग्गू, तेरे मरहूम बाप का पहले ही देना है। ओहो, ये सवाल उठाया है मैंने? सवाल नहीं उठाया, हम तो मखलूस हैं। सारी बस्ती जानती है कि इसका मेरा रिश्ता क्या है। समझा रहे अपनी लाडली को, बस्ती से बाहर न जाया करे, मुझे ताने मिलते हैं। जग्गू से तो मेरी मंगनी कर चुका है बाबा। तब जग्गू बच्चा था और तू बहुत छोटी, ये इसके बाप की ख्वाहिश थी। तूने नहीं देखा, इसका बाप फजल के नाम वाला था। मैंने ये सोचकर हामी भर ली कि एक अच्छे घर में जाकर मेरी बेटी के नसीब संवर जाएंगे। सुबान से बात बेटी के नसीबों की करते हो, तो हाथ से पैसा क्यों पकड़ा था? अरे नहीं बेटी, पैसा मंगने के वक्त नहीं लिया, ये तो उसके बाद की बात है। गरीब भीख नहीं मांगता, लेकिन जिंदगी में उसे कर्ज जरूर लेना पड़ता है। तेरी माँ भी बात थी, जग्गू के बाप से पैसा लेकर मैंने उसे अस्पताल में दाखिल करा दिया। एक महीने बाद अस्पताल वालों ने वो पैसा खुद ले लिया और अस्पताल के बिल में लपेट कर तेरी माँ की मैयत मुझे दे दी। जो मेरी माँ की जिंदगी ना बचा सका, वो पैसा तेरी बेटी की जान ना ले ले बाबा, तेरी बेटी की जान ना ले ले। आपकी चिट्ठी मेरे बेटे की होगी। फेंक के ना जाना भैया, सुना के जाना। माँ, तू आ गया बेटा? हाँ माँ, मैं आ गया। तेरा सामान किधर है? हो, बस में, रास्ते में खराब हो गई थी। वो अमीर खान क्लीनर है ना, वो लेके आता होगा। मैं तो किराए का घोड़ा ले आया हूँ। तू अपनी पढ़ाई की सुना, शहर में चचा के यहाँ रहा, वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, सबने सलूक भी अच्छा किया और सुख भी दिए। बस इम्तहान दे दिया है, नतीजा निकलने तक यहाँ आ गया हूँ। नहीं नहीं, मैं तुझे अब कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने यहाँ बात कर ली है, कल से तू नौकरी पे जाएगा। माँ, करनी तो नौकरी है, करूंगा, लेकिन अभी दो चार दिन घूमूंगा फिरूंगा, कोई मुझसे मिलेगा और मैं किसी से मिलूंगा। दिन पड़ता था, रात होती थी तो सोने से पहले तेरा चेहरा आंखों में लाता और आंखें बंद करके सो जाता था। सब उठते ही पानी के छींटे आंखों में दे देकर तुझे आंखों से निकालता और फिर किताबें लेके बैठ जाता। तू आज दिन भर घर मत जाना, मेरे साथ ही रहना चुगलू। क्यों, तो फिर कहीं जाने वाले? हाँ, कहाँ? नौकरी पर, मारे यही कहीं बात की है। नौकरी के बाद क्या करेगा? हा? शादी? किससे? हमारे दरमियान कोई तीसरा भी है क्या? हाँ। कौन? जग्गू, वो घर आया था शगन लेकर। नहीं, तेरा हाथ मांगने? ये तो नहीं कहा उसने। तो फिर क्या कहा? है जैसे मैं सेब का दरख्त हूं और वो मेरा मालिक।
चाहे सारी दुनिया दावा करे, तू मेरी है जुगनू। हाँ दिल, मैं तेरी हूं, सिर्फ तेरी। अगर मैं तेरी ना हो सकी तो इस पानी में कूद के अपनी जान दे दूंगी। झूठ है, सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, सब झूठ है। दिल, तुझे पता है ना चंदा पागल कैसे हुई थी? हाँ, उस पहाड़ी पर गुलाब का एक पौधा था, उसी के पास ही अपने प्यार से मिला करती थी। सुना है उस पहाड़ी के उस पार एक बदफितरत दौलतमंद रहता था। चंदा पर उसका दिल आ गया था, उसने चंदा के प्यार को कत्ल करा दिया। अपने प्यार का खून देखकर पागल हो गई थी चंदा। दिल, कहते हैं जब कत्ल हुआ था तो पहाड़ी पर बहुत बादल आए थे, बहुत बिजलियां गिरी थी। एक बिजली ने उस दौलतमंद को भी जलाकर राख कर दिया था। वो पौधा वहां नहीं, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि उस वक्त वो गुलाब काला हो गया था। के लिए चुना है, किसी को कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं। हो सकता है किसे? आपको? अरे नहीं यार, चमन साहब को। हम फूल, गीत और आजादी चाहते हैं, और वो इन सब चीजों को हमारे लिए ममनू करार देते हैं। यही कहना चाहते हो ना? देखो, बंजर जमीन पे कभी फूल नहीं खिलते, पत्थर के होंठ कभी गीत नहीं गाते। हम साबित करेंगे हम कि ये सब झूठ है। चमन साहब अगर पत्थर है तो हम उनके अंदर से दर्द की चिंगारी को बाहर लाएंगे। वो अगर बंजर जमीन है तो हम उस पर मोहब्बत के गुलाब खिलाएंगे। आजादी। आए, यार पता नहीं सुबह से मेरी आंख क्यों फड़क रही। आए, तेली पे उंगली रगड़ कर लगाओ। तेली पे उंगली रगड़ कर लगाओ। पपोटे पे घास का तिनका लगाओ। पपोटे पे घास का? ये सब फजूल और बेकार बातें हैं। आंख फड़कने का मतलब है तुम्हारी जिंदगी में कोई आने वाला है। कि मैं कोई आने वाला है? सोच है। शुक्रिया शुक्रिया। आप इस जंगल में पड़े हैं? क्या माँ बाप ने घर से निकाल दिया? अभी तक तो ये नौबत नहीं आई। अच्छा। अच्छा। आपसे मुलाकात तो नसीब में थी, इसीलिए तो आपकी राहों में पड़े हैं। आपकी तारीख, आपका जुग्राफिया, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? ना मैं जमीन के लिए हूँ, ना आसमान के लिए। मेरा वजूद है बस एक दास्तां के लिए। वाह वाह
वो आप चाहे रो भी है। अभी तो भूखी हूँ। खाना तो बहुत है, मजा आ जाएगा। हाँ, इसे कहते हैं मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। खासी बेतकल्लुफ लड़की मालूम होती है। बिल्कुल ठीक समझे भाई, अपना तो ख्याल है कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। ये रायता भी लीजिए। वाह रायता, वाह वाह, तोबा को तोड़ने की नीयत तो ना थी, मगर रायते का एहतराम ना करते तो जुल्म था। वाह मजा आ जाएगा। अरे आप क्यों बैठी हैं? खाइए ना। आपसे बच गया तो हम भी खा लेंगे। अच्छा तो आप बचा हुआ खाएंगे? हम 100-200 को खिला कर खाते। अच्छा आप लोग क्या? होटलों के बैरे हरगिज नहीं। अपने आप पर बहुत नाज है आपको। हाँ होना भी चाहिए, खूबी की बात है। आप हमारी खूबियों को छोड़िए, फिलहाल ये बताइए आपकी कितनी खूबी है। खूबी का तो पता नहीं, मगर जो देखता है दीवाना हो जाता है। हो, आपकी इतला के लिए अर्ज है, मैं पीछे आने वालों में से नहीं। किसी ने लगा लिया तो? जिसे गुरूर हो आए करे शिकार मुझे। अरे वाह वाह, क्या मिसे कहा है, जवाब नहीं। वाह मेरा बटुआ ले लो और ये मिसरा मुझे दे दे। ये मिसरा मेरा नहीं है। मेहमानों को तो देखा था, मेजबानों पे इल्जाम लगते हैं, आज ही देखा है। लो देखो ये तुम्हारा है? नहीं। आओ, ये आपका बटुआ है? नहीं। ये आपका तो नहीं? नहीं। तो फिर ये तुम्हारे? नहीं। एक मिनट, एक मिनट, इसे कह दो ये तुम्हारे। कैसे जान लिया कि हम दो हैं? तुम्हारे हाथ की मजबूती से, तुम्हारे पीछे अगर प्यार की ताकत ना होती तो तुम मुझे कभी ऊपर ना लाते, मैं तुम्हें बहुत नीचे ले जाता। बहरहाल मेरा नाम बाबर है, दोस्तों के खत मुझे लाहौर के पते पर मिलते हैं, मगर मैं समझता हूं मेरे घर का कोई रकबा नहीं, कोई दीवार नहीं मेरे घर की, यह सारा पाकिस्तान मेरा घर है। मेरा नाम दिलनवाज है, वैसे लोग मुझे दिल कहते हैं। ये छोटी सी जिंदगी गुजारने के लिए मुझे करोड़ों रुपए की जरूरत नहीं,
इस वादी में एक मामूली सा घर है, एक बलाएं लेने वाली माँ और जीने का हौसला देने वाली जुगनू। मेरे लिए खुदा का दिया यही बहुत है। बाबू, तुम्हारी वो कहाँ है जिसके पीछे तुम भाग रहे थे? वो मेरी वो नहीं, फिर कौन थी? पॉकेट मार मेरा बटुआ उड़ा ले गई। फिर तो तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। किस बात का? दिल कल से नौकरी पे जाएगा, महीने बाद तनख्वाह मिलेगी, उसके बाद ही तो हम तुम्हें टिकट लेके दे सकते हैं वापसी का। हाँ, तब तक जो हम खाएं सब शुक्र करके तुम भी खा लेना। हाँ, इस साथ की सच्चाई और खुलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरअसल एक ग्रुप के साथ आया हूँ, मेरा मतलब कुछ दोस्तों के साथ आया हूँ। आओ, इस नई दोस्ती की पुराने दोस्तों से मुलाकात कराता हूँ। बहुत दिल नवाज भाई, हमसे मिलो। हमारा नाम शहबाज खान, बाप का नाम रेवाब खान, सकना मजदूर। हमारा ख्वाजी के हम मजरूर। वो क्यों? इसलिए कि हम उसकी नाक के अंदर जो थी जिसने एटम बम बनाए और उसके मगज के अंदर जाकर बैठती और बुन बुन करती और आने जाने वाले को वो बोलती, ओए हमको मारो, हमको जूते मारो, हमने एटम बम बनाया। मेरा नाम हिना है, मैं कराची की रहने वाली हूँ। मेरी ख्वाहिश है काश के मैं थप्पड़ होती। हिना, मलमल के हाथों में जो पानी में बहाते हो, गजब करते हो जालिम आग पानी में लगाते हो, इतना खूबसूरत नाम, आप थप्पड़ बनकर किसके मुंह पर बरसना चाहती हैं? हर उस लड़के के मुंह पे जो लड़कियों को देखकर शेर पड़ता है। मेरा नाम जग्गू है, मैं वो बड़ा हूँ शीशे से पत्थर तोड़ दूं। तू यहाँ क्यों आया है? अरे चमक चलो, आज कहती है तू यहाँ क्यों आया है, कल लड़के पूछेगी देर से घर क्यों आया है। मैं क्यों पूछूं? मैं कौन हूँ तेरी? क्यों भूल जाती है कि तू मेरी मगेता है? सारे बस्ती वाले पूछते हैं अब्दुल चाचा अपनी बेटी के हाथ कब पीले करेगा, तो तेरा बाप कहता है अभी बच्ची है, शादी के काबिल नहीं हुई। लेकिन कहने वालों से सुना है कि खिलौने से खेलने वाली अब दिल से खेलने लगी है। दिल वही ना मैं भी का बेटा। नहीं नहीं, लोग पकते हैं। जहां से धुआं उठता है वहां आग जरूर होती है। मैंने तुझे उसके साथ देख लिया तो तेरे दिल को मसल के रख दूंगा। जग्गू गरीब है मगर हमारी भी कोई इज्जत है। कितनी बार कहा है कि जुगनू अकेली हो तो मत आया कर घर में। कौन रोक सकता है मुझे, इस घर से मेरा रिश्ता जुबान का भी है और जर का भी। आज जा रहा हूं, फिर आऊंगा। घबरा मत, जब तक मैं जिंदा हूं तेरे दिल का खून नहीं होने दूंगा बेटी। आइए आइए खरीदार साहब। और कैसे हो मुंशी? खाना पीना बंद हो गया। हाजमा बिगड़ गया क्या? जो आपसे मिलके खाता था उस पर पाबंदी लग गई है। पाबंदी लग गई है? अब जितना देंगे उतने की लकड़ी उठानी पड़ेगी। क्या मतलब? मालिक ने नया आदमी रख लिया है। जग्गू को मनमानी से रोक सके कौन है साम माई का लाल? अपने दाएं देखिए, मैं
माई मीरो का बेटा दिल। चाकू नहीं जो मेरा दिल चीर सके। बहुत सरकश लगते हो। नहीं, सर को जरा ऊंचा रखता हूं। मैं एक पहाड़ हूं। पहाड़ जितना भी बड़ा हो उसे उड़ाने के लिए एक छोटा सा डायनामाइट काफी होता है। दिल के ये निशान बनाना बेकार है। ये काट के मुझे ले जाने हैं। ये सौदा हो जाने के बाद की बात है। चक्कू का किया हुआ सौदा कौन तोड़ सकता है? हर सौदागर का खुदा ने एक तोड़ पैदा किया है। इतना जानता है तो फिर ये भी जानता होगा कि जुगनू मेरी मुट्ठी में है। मर्दानगी दिखाई वो तुम हो। मैं समझा तो कोई अच्छी लड़की है। मैं बुरी हूं यह साबित करने के लिए को बोर्ड बिठाना जरूरी नहीं। शौक है आवारगी, धंधा पटवा मारना, वो ले जा रहे थे तो चली जाती। क्या चला जाता तुम्हारा? हा? मैं चली जाती? हाँ चली जाती। क्या बिगड़ जाता तुम्हारा? नसीब तुम। Thank you.
शायद यहाँ आपको कुछ दिन भी गुजारने पड़े। चलो ओए, ओ कौन हो तुम और ये लड़की कौन है? ये सामाजिक गिरावट की वो तस्वीर है सर, जो माँ बाप से सहेली को मिलने का बहाना करके इन खूबसूरत पहाड़ों पर आती है और फिर दीदा दलेरी का मुजाहरा करते हुए। लेकिन ये तुमको किसने बताया? हल्की ने। ओए हिचकी की कोई और भी वजह हो सकती है। सर वजह यही है। ओए मेरे थाने की दूध में से तुम एक कतरा पैदा कर दो ना तो ये 100 का नोट तुम्हारा। मेरे खुदाया, आजकल इल्जाम तराशी करदार कशी कौमी सेवा बन चुका हुआ है। ओए, ओए, अपनी आदत को बदलो वरना तुम्हें हर हाथ में पत्थर और हर चेहरे पे कीचड़ नजर आएगा। आई एम सॉरी सर, मैं माफी चाहता हूँ। ओए माफी मांगनी है ना तो उससे जाकर मांगो जिसको थाने में लाकर तुमने मेंटल तौर से कुचाया है। कभी पर्स मारती हो, कभी गुंडों के बीच में चिल्लाती हो, कभी हिचकी का ढोंग रचाकर मुझे जलील कराती हो, आखिर तब मारा कि तुम मेरे पीछे आओ। हुंडे कराए के थे, देखना चाहती थी तुमने दम कितना है, हिचकी के बाल ने तुम्हारा चाल चलन देखना चाहती थी कि एक जवान अकेली बहकी हुई लड़की को तुम कहां ले जाते हो। मेरी इतनी टेस्ट तुमने किस लिए ली है?
वाले लम्हों में कोई किसके लिए क्या है ये कोई नहीं जानता। तुमसे मिलने से पहले मैं भी नहीं जानती थी। तुम मिलोगे, माँ बाप रिश्तेदार घर, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। बचपन यतीम खाने में गुजरा और यहाँ आने वाले टूरिस्टों को गाइड करती हूँ। जो थोड़े से पैसे मिलते हैं उनके सहारे जी लेती हूँ। अक्सर लोगों की नजर मेरी जैसी लड़की की इज्जत पे होती है और इस चीज को बचाते हुए मुझे तलाश थी एक ऐसे लड़के की जो पांव की चार दीवारी में मुझे पनाह दे, मुझे मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ने का हक दे। तुम्हें देखा तो दिल ने कहा तुम वही हो, तुम्हें परखा तो दिल ने कहा तुम वही हो। देखो मैं इजहार कर ले
किसी से, हाँ किसी से, हाँ किसी से जीना है तो आ मेरी जान प्यार कर ले, जीना है तो आ मेरी जान प्यार कर ले, जहाँ भी दिल कहे इकरार कर ले किसी से। सर मुझे अभी अभी आपका ख्याल आया और आप ठीक 4:15 बजे हमारे सर पर आन पहुंचे। अच्छा सर, हमारे नए दोस्तों से मिलिए, यह है दिल, यह है जुगनू, और दिल जुगनू यह है हमारे चमन साहब। हमदर, रफीक, शफीक, शराफत का इत्र, इंसानियत का निचोड़, कंदर का अज़्म, बाबर की जफा कशी, जंगीर द इंसाफ, रांझे के मुरले के धुन, और सीजर की बहादुरी को इकट्ठा कर दिया जाए तो बनता है। अरे ये तो रो रहे हैं। किस बात पे चमन साहब? अपनी बात पे। तुमसे जो मेरी सिफतें बयान की गई हैं, इनमें से मेरे अंदर एक भी मौजूद नहीं। मैं पत्थर का असूल हूं, लोहे का डिसिप्लिन, वो हुक्म हूं जो टल नहीं सकता। जब वादे तौर पे ऐलान किया जा चुका है कि कोई किसी से प्यार ना करे, तो फिर क्यों कहा जा रहा है जीना है, जीना है, जीना है तो प्यार। सर ये इन सबका कहना है। तुम्हारा क्या कहना है? इसका कोई नहीं है सर, इसे अपने ग्रुप में शामिल कर ले। हम इस लड़की को अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। ऐसे न कहिए सर। अच्छा दिन, खुदा हाफिज़ सर। अच्छा दिन, खुदा हाफिज़। कितने अच्छे लोग थे। चमन तो पागल ही लगता है। जग्गू
रास्ता। देखो, वो मेरा बाप है। रास्तार है तेरा, वरना तेरी शादी का दिन न दे देता मुझे। मैं उस बुड्ढे का गरीबान पकड़ के बात करने फिर आऊंगा। तो उससे मिलने गई तो किसी टीले पे तेरी कब्र बना दूंगा।
मेरे बाबा की दवा में बहुत असर है, तुम बहुत जल्द अच्छा हो जाएगा। कोई आया? ले जाओ, ले जाओ। तेरे बाबा के साथ कहवा पीने नहीं आए, तेरे कर तू सुनकर आए। हम गांव का बेटी समझकर तेरे सर पर प्यार दिया करते थे, मगर तू तो बदकार है। नहीं नहीं, क्या मैंने तुझे खुद अपनी आंखों से देखा है, लड़के की कमर में हाथ डालकर अंदर ले जाते हुए। निकाल उसे बाहर। चोर चोरी निकाल कर थोड़ी ही देगा, अंदर जाकर चोरी हम पकड़ेंगे। आओ मेरे साथ। गया भाई, तू नहीं जानता? क्या नहीं जानता? तेरे घर में कहां काते? अरे कोई जख्मी होगा। तेरी जुगनू की नजर के तीर का। तेरी बेटी बदकार है। तोहफत ऐसी डलगा कि जमीन फट जाए। एक इज्जत ही तो मेरी पूंजी है, जो मुझसे मेरी इज्जत छीने उसके हाथों में मर जाऊं या उसे जमीन में गाड़ कर फांसी ही मर सकता हूं। जाओ यहां से। देख लूंगा, आओ चले जाओ। किसे लाई थी जुगनू? उसका खून बह रहा था बाबा। पहले देती क्या जरूरत थी उसे यहां लाने की? तुम मसीहा हो बाबा, बीमारों का इलाज करते हो। मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम उसका खून बहता देखते तो उस पे दवा लगाते या बेबसी की मौत मर जाने देते। था कौन जो तेरे माथे पर अपने लहू से कलंक का टीका लगा गया? मासी मीरू का बेटा दिल। माँ की झुकी कमर का सहारा बनना था बेटा, ये जवानी में तेरी कमर कैसे झुक गई? बता तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं माँ। माँ का दिल ठिकाने पर नहीं और तू कहता है कि कुछ नहीं हुआ। मत छुपा मुझसे, बता तुझे क्या हुआ है। कह जो दिया माँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। जग्गू से समझा है क्या? जिस रास्ते पे वो मुसी खड़ा हो वहां से कतरा के निकल जाया कर। उस कमीने के सीने में पत्थर है और तू एक माँ का दिल है। दिल बच गया जगुलाला, बच गया। गांव वाले क्या कहते हैं, दिल को किसने मारा? दिल ने तेरा नाम नहीं लिया, तेरी ताकत से डर गया। अब जुगनू की गली में शौक से दम दबाते फिरो, दिल जुगनू का नाम नहीं लेगा।
गया दिल? सकूं तेरे दीदार से मिलता, तू मिलने आई? आज ही तो बुलाया है, पहले क्यों ना आवाज थी? घर से कई बार निकलना चाहा, सामने माँ की आंखों में आंसुओं का दरिया देखता तो हौसला हार जाता। मेरे बाबा को तेरे मेरे बंधन का पता चल गया है, उसने मुझे जुबान से तो नहीं रोका पर मुझ पे उसकी नजर का पहरा था। जुगनू, इन पहाड़ों की चोटियों से नफरत की जमी बर्फ का तोड़ा गिरा और तेरे मेरे बीच दीवार बन गया, हम अलग अलग कर दिए गए। तो पिया जी ना सकूं।
कहना माँ जी, इस पर आया गुस्सा मुझ पे निकालो, इसे मिलने मैं आई थी। तूने जुगनू को मारा माँ, इसे मारने का तुझे कोई हक नहीं था, तुम मुझे मार सकती थी, तू मेरी माँ है। मैंने इसे तेरी माँ बनकर नहीं मारा, जुगनू का बाप बन के मारा है। जिसकी बेटी रात के अंधेरे में किसी से मिलने चली आई, उस बाप के लिए दो मरने का मकाम है। जुगनू, 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 तूने उसका दिल तोड़ दिया माँ, वो रोती हुई गई है। उसे उसे वापस बुला ले माँ, उसे वापस बुला के उसके आंसू पोंछ दे माँ। नहीं, मैं उसे वापस नहीं बुलाऊंगी। उसे उसे वापस बुला ले माँ, उसे वापस बुला ले माँ, उसे वापस बुला ले, उसे वापस बुला ले माँ। तुझे क्या हो गया है दिल, होश कर, अकल से काम ले। मैं दिल हूँ माँ। तू अब बच्चा नहीं, जो पराए हाथ का खिलौना देखा मचल उठे। तू समझदार है दिल, तुझे समझना चाहिए, जुगनू जग्गू की मंगेतर है। तू जुगनू को जग्गू की दुल्हन बनकर देख सकती है माँ। जुगनू के दिल का खून किया जा रहा है, जिद गाही जा रही है, जुल्म के माथे पर सेहरा बांधने की साजिश हो रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आवाज देकर भी आ सकता था, दरवाजा तोड़कर इसलिए अंदर आया हूं कि तुझे इनकार की जरूरत ना हो। ये कपड़े और कड़े अपनी बेटी को पहना देना, चढ़े चांद की चौदहवीं को जग्गू लाला जुगनू को पहने आएगा। अब्दुल चाचा, तूने कड़े जमीन पर फेंक कर मेरे शगन का बेइज्जत किया है। ये कड़े नहीं, सोने की हथकड़ी है। मैं जुगनू का बाप ही नहीं, उसकी जिंदगी के मुकदमे का जज भी हूं। मैं अपनी मासूम बेटी को हथकड़ी कैसे पहना दूं, जबकि उसने कोई जुर्म नहीं किया। जुगनू मासूम है तो तुझे मुझे मैं साबित करूंगा, मैं पूरा गांव इकट्ठा करूंगा, मैं पंचायत बुलाऊंगा और फिर पंचायत का फैसला लेकर सबके सामने तेरी बेटी जुगनू को उठा के ले जाऊंगा। चमन साहब की टॉट नहीं, तुम्हारी हम नवा। अब्दुल रहीम, जग्गू ने पंचायत से शिकायत की है कि आज से 10 साल पहले तूने जग्गू के बाप से जग्गू और अपनी बेटी जुगनू की शादी की बात पक्की की थी और आज उससे फिर गया। हाँ हाँ, कर इनकार, कर। जगो, जाओ, चुप हो गया मैं, चुप। उस वक्त इसका बाप जिंदा था, इसकी आंख में शर्म थी, ये इस तरह उठता बैठता नहीं था जिस तरह ये आज कर रहा है। ये मुझे धमकी नहीं देता था कि मैं पंचायत का फैसला लेकर सबके सामने तेरी बेटी उठा कर ले जाऊंगा। तौबा तौबा तौबा, ये मैंने कहा था या झूठ है? झूठ। अब्दुल चाचा, इतना झूठ ना बोल,
कि हमारी ये ज़मीनें बंजर, छह मसल लगे दरख्त पांच और बहते हुए चश्मे सूख जाए। देखो, अगर बोलना तुमने था तो हमें क्यों बुलाया? नो, चुप हो गया मैं, चुप। अब्दुर्रहीम, इस वादी में बेटी एक बार किसी के साथ मंसूब कर दी जाए तो वो उसी के नाम पर जीती है और उसी के नाम पर मरती है। मंगनी तोड़कर तुम एक नई रस्म नहीं डाल सकते, तुम्हें जुगनू की शादी जग्गू से करनी होगी। हमारे फैसले के खिलाफ आवाज उठाने वाले तुम कौन हो? हम आने वाला वक्त है, हमारा चिल को गौर से आज की जगह पर तुम बैठिए, कल आप बैठेगी। हमारे कल के लिए आज इन रस्मों को बदल डालिए जिन्हें जिंदा रखकर आप ताकतवर को हंसाते और कमजोर को रुलाते हैं। ये रिवाज, ये रस्में हमारा सदियों पुराना वैसा है। चंद नादान बच्चों के खातिर हम इन्हें नहीं बदल सकते। ये आपकी जिद है, जिद्दी समाज मिट जाता है, मोहब्बत हर दौर में जिंदा रहती है। ये पंचायत है, पंचायत है, ये यहां इंसाफ मिलता है, अदल किया जाता है। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, इन अदलगाहों को, इन अदलगाहों को कुर्बान गाहें मत बनाए, मत बनाए। बस्ती के शरीफ लोगों, आज इस खुले आसमान के नीचे वादा करो कि यहां कोई ऐसी शादी नहीं होगी। इस मंगनी को, मैं तोड़ता हूं इस मंगनी को। अब तुमने जो मेरे बाप से पैसा लिया था वो पैसा मुझे वापस कर दे। ये ले, ये ले, ये भी लो, ये भी ले, ये भी ले। उठा इन चीजों का, उठा, और ये सब कुछ बेचकर अपना रुपया पूरा कर लो। अगर ये पूरा ना हो तो ये छल्ला भी बेच देना लुच्चे। अरे ओ मतीन जोरगर, अरे जरा जांच के तो बता इस कूड़े का क्या मिलेगा। ये शहर का नकली माल है जगुलाला, घड़ी समेत इन सब का 800 मिल सकता है। 800-900? सुनो, मेरा कर्जा है 5,000 का, कौन देगा? कौन, कौन है सखी दादा हकम भाई जब मेरा कर्जा देगा? बोलो बोलो बोलो। मेरा कर्जा मैं दूंगी, मुझे 8 दिन की मोहलत दे दो खान बाबा। तू कहां से लाएगी 5,000? यह पूछना तेरा काम नहीं। अरे तू यार होकर नहीं दे सका, तेरे ये चमचे नहीं दे सके। दिल मार इस कुत्ते को, तोड़ दो हड्डियां इनकी। Thank you.
की इस झंडी को बांधते हुए मैं चुप हो गया, चुप। जिस मसले को बातचीत से तय करने आए हो उसे तशद्दुद से कैसे हल करोगे? पंचायत का यह फैसला है कि अगर 8 दिन के अंदर अंदर 5,000 जग्गू को अदा न हुए तो अब्दुल रहीम को अपनी बेटी की शादी जग्गू से करनी होगी। पैसे की ताकत से एक बदमाश जीतना चाहता है दिल। हम जुगनू की रोशनी जग्गू के घर नहीं जाने देंगे। ये जेवर बेच के जुगनू की आजादी की कीमत चुका दे। ये जेवर तूने अपनी बहू के लिए बनवाए थे, इन्हें मैं कैसे बेच दू मां, इन्हें मैं कैसे बेच दू? जुगनू मुफ्त नहीं मिलती, उसकी कीमत 5,000 है। 5,000 तू कहां से लाएगी? 8 दिन की मोहलत तूने कैसे मांग ली बेटी? 8 दिन के लिए बदनसीबी को सर से टाला है बाबा। दुआ करूंगी शायद वो सुन ले और मुझे मौत आ जाए। ऐसा मत कहो जुगनू, ऐसा मत कहो। मैंने तुझे दुखी दिए है बाबा, मेरे मरने पे रोना नहीं। बदनसीब बेटियों के मरने पे रोया नहीं करते, रोया नहीं करते। मैं बाप हूं, तुझे कुछ हुआ तो ये आंख खुश कैसे रहेगी? तुझे कफन में लिपटे हुए देखा तो आंसू क्यों नहीं टपकेगा? मैंने फैसला किया है जग्गू का कर्जा चुकाने के लिए मैं ये घर बेच दूंगा। जालिम काबू बंद करने के लिए ना इंसान बिकेगा ना मकान। जग्गू के कर्जे का इंतजाम हम खुद करेंगे। ना ना, देखो लड़का और लड़कियों, तुम एक तफरीही सफर पर आए थे, तुमने इसे एक तहरीक क्यों बना दिया? हमने कोई तहरीक नहीं बनाई चमन साहब, दौलत ने दिल को तमाशा बना दिया है। एक इंसान बिक रहा है चमन साहब। तो बिकने दो, हमारा इससे रिश्ता क्या है? यही तो दुख है हमें चमन साहब, यही दुख है हमें। आज हमने अपने दुख अपने सुख एक दूसरे से अलग अलग कर लिए हैं। हम अपने घर की दीवारें मजबूत करते हैं, अपने खिड़कियों पर ग्रिल लगाते, अपने गेट पर ताला डालकर महफूज हो जाते हैं। पड़ोस के घर से उठने वाली चीखें सुनकर हम वहां इसलिए नहीं जाते कि हमारा उनसे रिश्ता क्या है? वो चमन साहब, हम सबको मारो, हम सबको खोदो, हम सब पर पहचान करवाओ, लेकिन हम दिल और जुगनू के वास्ते पैसे इकट्ठे करेगी, जरूर करेगी। उस पैसे लई ना असा संगना जे ते ना असा चकना, साडे कोलो जो कुछ भी होया असा करना। इन हाथों से मैंने पत्थर उठाए, जंगल से लकड़ियां काटी, ये हाथ बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी मुसीबत काटने तू जा रहा है, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। नहीं, तू घर पे रहेगी जुगनू। घर लाया नहीं और हुक्म अभी से चलाने लगा। जैसे कल फूलों की सेज पे देखना है, नहीं चाहता कि आज लोग उसे बाजार में देखें। दोस्तों ने जो प्रोग्राम बनाया है उसके मुताबिक हो सकता है हमें नाचना पड़े।
टकराएंगे आपका भी हिस्सा है करवा लो हाँ ऊट पॉलिश करवा लो सर की मालिश करवा लो
खबर नहीं, दिलर शेरी बाबू की गाड़ी खट में गिर गई। छोटा सा था तो पहाड़ों से पत्थर बरसे थे। मैंने पूछा था पत्थर क्यों बरसे हैं दादा, तो दादा ने कहा वादी में किसी ने गुनाह किया है, ये खुदा ही कह रहा है। आज गाड़ी खंड में गिरी, जाने कैसी कैसी माओ के लाश मारी और किसी की लाश तक नहीं मिली। मेरा ईमान है कि यह अब्दुल के गुनाह की सजा है, अगर यह अपने जुबान से न फिरता तो इतना बड़ा जानी नुकसान कभी ना हो। मैं कहता हूं दुआएं मांगो, कफारे अदा करो, आजाने दो, वरना खुदा इस बस्ती को बर्बाद कर देगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। ऊपर जाने का रास्ता भी तो नहीं मिला, और हमने इतनी मुश्किल से पैसे इकट्ठा किया था, न जाने वो भी कहां गिर गया। हमारे इंतजार में जाने जुगनू पर क्या बीत रही होगी। हम किसी के काम नहीं आ सके, हम यहाँ भूखे भूखे मर जाएंगे, भूखे भूखे मर जाएंगे, भूखे भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। दिन के दिन पूरे हुए, दिल की मां के दिन पूरे हुए, अब तो मेरी मौलत के दिन भी पूरे कर दो। अब्दुल को हुक्म भेज दो कि अपनी बेटी को दुल्हन बना दे, उसे पैसा भेज दिया जाएगा। तुम परसों तेरा बांध लेना, अगर वो ना माना तो उसे वही सजा मिलेगी जो पंचायत के फैसलों की हतक करने वालों को मिलती है।
ये घर खरीदने पर कोई राजी नहीं। सारा गांव जग्गू के खौफ से उसका तरफदार है। हमारे साथ तो किसी की दुआएं भी नहीं रही, लेकिन मैं पंचायत का फैसला नहीं मानूंगा। जब उसे तेरा बयान नहीं होगा, इस इनकार की सजा बहुत कड़ी है बाबा। वो काला होगा ना, गांव में फिराया जाऊंगा। तेरे लिए ये भी मंजूर है? नहीं, मैं बेटी हूं और बेटियां तो बाप की इज्जत पर से कुर्बान होने के लिए पैदा होती हैं। मैं 100 बार जिंदा होकर 100 बार जुल्म की आग में चल सकती हूँ, लेकिन अपने बाबा का यह हाल होते नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। और जुगनू की शादी रोक दे। दुनिया ने तेरे
नहीं बाजी, शेरी बाबू लोग आ गए। जुगनू को पागल कर दिया है, मगर वो उसे नहीं भूल सकी। कभी हंसती है, कभी रोती है, उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। और मैं उसके लिए मौत की दुआ भी नहीं कर सकता। बाबा, क्या हम उसे देख सकते हैं?
जो मेरा अपना था मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास ला।